let's start interviewing Akram. Okay. Right. So Akram, ये बताओ कि आपकी शादी कब हुई थी? सर मेरी शादी 2 फरवरी 2020 को हुई है। यही 2 फरवरी 2020, मतलब यही 4-5 महीना पहले। जी सर। ओके, और ये लड़की आपको कहाँ मिली थी? सर एक्चुअली उससे पहले इसने मेरे ऊपर एक बार केस किया हुआ था, उसके बाद हमारा वहाँ सेटलमेंट हुआ था। एक्चुअली कहानी स्टार्ट होती है जुलाई 2018 से, जुलाई 2018 में ये मुझे इसने मिली। आपके ऊपर में कोई केस या कंप्लेंट पहले की थी, शादी से पहले हाँ ही जी, की? यस सर, शादी से पहले। भैया ये क्या ड्रामा, क्या चल क्या रहा है? तो शादी से पहले ही उसने कुछ किया था आपके ऊपर, केस या इल्जाम किया था? तो तीन सौ पहली छत्तर बार का कब केस मिले किया थे ये औरत को, पहली बार कब मिले थे? सर। पहली बार मैं इसको जून 2018 में मिला हूँ। ओके, ये मेट्रो में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करती थी। मैं एज ए परमानेंट एम्प्लॉय काम करता हूँ मेट्रो में। तो वो भी वहां पे काम करती थी, आप भी हाँ काम करते थे, तो हाँ जी, वहां वो पे मुलाकात हुआ। ओके, फिर जी सर। उसके बाद ये 4 जुलाई 2018 को इसने मेरे से बोला कि मेरे भाई को दवा दिलाने ले जाओ। मैं जहाँ से आता था सोना से, वहाँ पे एक हकीम था, उसने बोला कि वहाँ से मेरे भाई को दवा दिला के ले आइए। मैंने बोला ठीक है, मैं उधर उधर जाता था रोज, तो मैं उसको अपने साथ लेके चला गया, उसके भाई को। ओके, उसके बाद सर वहाँ से आने के बाद मैं उसको अपने घर पे ले गया। घर पे आने के घर पे हम थोड़ी देर रुके, उसके बाद मैंने उसको मेट्रो में बिठा के भेज दिया घर पे। उसके 2-3 दिन बाद सर उनका कॉल आता है कि आप हमारे रूम पे आ जाइए और हमने खाना बनाया और अपन खाएंगे साथ में मिलके एज ए फ्रेंड। तो मैं चला गया। उसके बाद सर उन्होंने पता नहीं मुझे क्या खिलाया रात में, उस खाने में मिला कर, और मुझे तुरंत नींद आ गई। जब मेरी रात में आंख खुली तो उस लड़की ने क्या कि वहाँ उसका भाई था नहीं, और वो लड़की मेरे साथ लेटी हुई थी, और मेरे कपड़े और अपने ओ कपड़े रखे उसने। मैंने उसके रियली? हाँ सर मैंने उससे पूछा कि ये क्या क्या सीन है ये। बोले कुछ नहीं, टाइम आने पर सब बता दूंगी मैं। मैं तो टेंशन ये ले तो गया। फोर्सिबल नहीं, ये तो फोर्सिबल चीज हुआ, ये तो डेट रेप जैसा चीज हुआ, ये तो जोर जबरदस्ती हुआ। वही इनका प्लानिंग के थ्रू 4-5 लोग हैं या किसके गैंग में ना, आगे सब मैं बताता हूँ। तो उस टाइम मैं सुबह जल्दी उठ के मैं अपने ऑफिस चला गया। उसके बाद इसने मेरे पास फोटो भेजे हैं, मेरे और उसके अश्लील फोटो भेज दिए। मैं उसी बोला के ये उसी दिन, हाँ, उसी दिन नहीं, उसी दिन ही। उसी दिन मैं ऑफिस गया हूँ, उस हाँ, दिन इसने मेरे पास फोटो भेजे। मैंने इसको बोला कि ये क्या कर रही है तुम, तू मेरे फोटो तो तूने कब ले लिया, और क्यों इसको मेरे पास भेज रही है, डिलीट कर दो इनको। बोले कि अगर मेरे पास बहुत सारे फोटो लिए हैं मैंने, अगर इनको इनको को डिलीट करवाना चाह रहे थे ना, मैं जैसे बोलूँ ऐसे बोलूँ, चुपचाप रह, ऐसा करना है। मैं टेंशन में हो गया। मैंने घर पे किसी को नहीं बताया, किसी तो वो फ्रेंड को। ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया आपको। हाँ जी सर, मैं उसको फोन पे बोलता मैं कि यार प्लीज वो फोटो तो डिलीट कर दे। कभी तो बोलती मैंने कर दिया डिलीट, कभी बोलती कि मुझे ना ये चीज ला के दे, मेरा फोन रिचार्ज कर और ये कर वो कर, ऐसे ऐसे स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने मेरे साथ। इसके मतलब भाई थोड़ा हाँ बहुत फाइनेंशियली ब्लैकमेल करना शुरू कर हाँ दिया। फाइनेंशियली ब्लैकमेल स्टार्ट कर दिया। इसका भाई का रिचार्ज, फोन रिचार्ज मैं कराता था, इसका फोन रिचार्ज मैं कराता था। उसके बाद फिर मैं परेशान हो गया, पैसे देते देते मैंने सोचा इसका फोन ऑफ कर दिया, मैंने इसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और फोन उठाना बंद कर दिया। फिर एक दिन इसका एक दोस्त था साजिद नाम का, उसका फोन आता है मेरे पास। वो कहता है कि पैसे क्यों नहीं दे रहा। मैं बोला भाई आप कौन हो? बोले मैं उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। मैं ओके, बोला क्या सर, मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया, यार ये तो गलत बात है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले अगर तुझे ना मैं हमारे पास तेरी फोटो है, वो फेसबुक पे डाल देंगे, तो चुपचाप जैसा कर बोल रहे हैं ऐसा करता रहे। उसके बाद वो उसका फोन भी रिचार्ज में करा था, कई बार उन्होंने मेरे से कैश पेमेंट लिया और ये सब उनके ऑनलाइन में आप किए हो, राइट? मतलब ये सब एविडेंस आपके पास है। हाँ सर, फोन के रिचार्ज के एविडेंस है मेरे पास, बाकी कैश का मेरे पास वो नहीं है। कैश में ठीक मोस्टली है, तो वो कैश देखेंगे, हाँ फोन का तो रिचार्ज है ना।
हाँ फोन के ओके रिचार्ज के सारे एविडेंस है मेरे पास। उसके बाद मैं उसको बहुत सामान ला के दिया, कभी कुछ मंगाती कभी कुछ मंगाती। उसके बाद सर एक दिन उसने बोला कि मेरे से एक काम शादी करो करेगा। अक्रम, एक काम करो, एक काम करो अक्रम, अक्रम अक्रम रुको रुको, एक काम करो, ये औरत का नाम मत लेना इंटरव्यू में, ठीक है? मैं उसका नाम पे बीप लगा दूंगा, ओके? आप जनरली मत लो, ठीक है? अभी ओके सर। कंटिन्यू करते हैं। फिर कितना दिन ऐसा चला? उसके करीब 4-5 महीने ऐसा चला। उसके बाद एक दिन ये मतलब बंदा बोल 2018 की के, अंत तक? हाँ उसके बाद इसने बोला एक दिन कि मेरे से शादी करेगा। मैं बोला कि भाई मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, मेरे मेरी फैमिली अलग टाइप की, आपकी आपके आप यूपी से हो, मैं वहाँ से हूँ, तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। तो इन्होंने फिर प्लानिंग स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया मेरे से। कभी तो कहती वीडियो कॉल करके मैं फांसी ले रही हूँ सर, मुझे वीडियो कॉल करके फांसी का फंदा बना के, और वो करती फिर वीडियो कॉल कट करके, और कुछ देर तक मेरा फोन ही नहीं उठाती, ऐसा करती थी कि मैं फांसी ले रहा हूँ, अगर अगर तुझे मेरी जान मतलब प्यारी है ये तो यहाँ थ्रेट, यहाँ मेरे ब्लैकमेल हुआ, फोर्सिबली सेक्सुअल रिलेशन, ये सब में सब कर हाँ दिया। बोले मैं अकेली हूँ रूम पे और अभी फांसी लेके मर रही हूँ, या तो मेरे रूम पे आ जा। मैं सर कई बार मैं इसको बहुत समझाता, मैं यार तू ऐसा क्यों करती है। बोले जितना बोल रही हो उतना कर ले, तेरे फायदे के लिए है। मैं कई बार चला गया, फिर हमारे फिजिकल भी बन गए सर। मतलब बेसिकली उसने हाँ ब्लैकमेल करके, हाँ ये मैं थ्रेट मिलने का करके करके, मुझे, गैंग अप हाँ करके फिजिकल रिलेशनशिप में फोर्स किया। हाँ जी। उसके बाद फिर 17 अगस्त 2019 को साजिद का फोन आता है, और साथ में ये भी कॉन्फ्रेंस पे थी। ये बोल रहे हैं कि तू कहाँ पे है। मैं बोला मैं छतरपुर ड्यूटी करता था, तो मैं बोला मैं ऑफिस में हूँ। फिर ये बोल रही है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं आ रही हूँ वहाँ पे ऑफिस। तो मैं कि ठीक है आ जाओ। उसके बाद मेरी छुट्टी हो गई, मैं नीचे पार्किंग में इसका वेट कर रहा हूँ। उसके बाद ये बंदी आ जाती है, उसके जस्ट 5-6 मिनट बाद वो दोनों लड़के आ जाते हैं, साजिद उसका उसका बॉयफ्रेंड जिसको बताती थी वो, और एक उसका भाई अबरार, वो आ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने आते ही मुझे मारना स्टार्ट कर दिया और मेरा फोन छीन लिया। मैं बोला यार क्यों मार रहे हो। बोले चल रूम पे चल, जब बताएंगे। मैंने इनको बोला कि सर भाई मेरा मुझे घर पे फोन कर लेने दो, एक बार मेरा फोन दे दो। नहीं रूम पे चल, तब तब बात करेंगे। तो ये फोर्सफुली मुझे वहां से लेके रूम पे आ गए। वहां कब कब आने के की बात बाद है ये? कौन से साल की बात है? ये सर 17 अगस्त 2019 की 19 को बात है। इन्होंने वहां पे फिर ओके तीसरा बंदा एक इरशाद नाम का वो आ जाता है, वो CRPF में जॉब करता था। उसने मुझे मारना स्टार्ट किया, बोले इससे शादी करेगा या नहीं करेगा। मैं बोला भाई जस्ट अ मिनट, फिर से बोलिए। मैं हाँ, फिर कॉल भी नहीं, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, क्या होता है फिर? इरशाद नाम का बंदा है, वो CRPF में जॉब करता था, वो आ जाता है। उसने मुझे ओके मारना स्टार्ट किया, बोले इससे शादी करेगा या नहीं करेगा। मैं बोला भाई मेरी शादी इससे नहीं हो पाएगी, हमारी फैमिली अलग टाइप की, आपके आपके उससे मैच नहीं खाती। बोले तू भी करेगा, तेरा बाप करेगा शादी, हम आज तुझे हम शादी करा कर छोड़ेंगे। मैं इनको रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि भाई मेरा फोन दे दो, मुझे घर पे कॉल कर लेने दो। इन्होंने मेरा फोन नहीं दिया। फिर उसके बाद मैं रात में इन्होंने खूब मारा पीटा और वहीं पे रखा अपने रूम पे। मतलब सुबह जबरदस्ती वहीं पे रखा। हाँ वहीं पे रखा। सुबह बड़ी आपने मुश्किल ये से मामला को कभी पुलिस तक लेने की कोशिश नहीं किया? उसके बाद आगे आ रहा हूँ मैं सर उस चीज पे। उसके बाद इन्होंने रात भर रखा। सुबह ये लोग चाय वाय का सामान लेने कुछ गए थे बाहर, तो मुझे मेरा फोन हाथ लग गया। मैंने तुरंत 100 नंबर पर कॉल कर दिया। मैं बदरपुर थाने से पुलिस आई, पुलिस को आता देख करके ये सारे लोग भाग गए वहां से। पुलिस मुझे साथ में लेकर के बदरपुर थाने लेके चली गई। फिर इनको इनको कॉल वॉल करके बुलाया पुलिस वालों ने, तो ये चले गए। फिर मेरे खिलाफ इसने 376 का मुकदमा दर्ज कराने के लिए बोल दिया कि इसको ये मेरे साथ कब? रेप किया अगस्त था। अगस्त 2019 की बात है। हाँ जी, ये 18 अगस्त को, 17 को ये मतलब मुझे वो न्यूज़ जोर दी। जबरदस्ती करे, वो जोर जबरदस्ती करे, आपको खाने में कुछ मिला के पिलाए, हाँ ओके? उसने और फोन ये फोन सब पे लेके करके रखा था। आपके ऊपर में उल्टा रेप का 376 लगवा रही है। जी सर, क्योंकि फोटो थे उसके पास मेरे,
फोटो पे अब 376 का मुकदमा करने के लिए ये बोल रहे हैं। फिर आईयू ने बोला कि आप अपने मम्मी पापा का नंबर दीजिए इनको भी और मुझे भी। मैंने भी अपने अपने मम्मी पापा का नंबर दिया तो उन्होंने दोनों साइड से मम्मी पापा को बुला लिया। करीब इनके इसके मम्मी पापा 2-3 दिन में टाइम लगता है, 2-3 दिन में आए। तब तक हमारी फाइल आईयू आईयू के पास थी। उसके बाद उसने बोला कि भाई आपस में सॉल्व कर लीजिए। तो इन्होंने बोला कि आप हमें 15 लाख रुपए दे दो तो नहीं करेंगे मुकदमा दर्ज। फिर तो ये हमारे पूरा घर वालों ब्लैक ने मेल बहुत, है, ये झूठा। पहले तो आपको जबरदस्ती करके इसमें रिलेशन में घुसाया, जी ओके, सर, उसके बाद में उल्टा उनको रेप का धमकी देके 15 लाख रुपया चाहिए। 15 लाख रुपए इन लोगों ने मांगे। हमारे फैमिली वालों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत समझाया उनको। उसके बाद बोले कि 11 लाख रुपए दे दो आप हमें और हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम केस नहीं करेंगे। मतलब फिर पैसे की हमारे, ब्लैकमेल का धमकी शुरू हो गया। जी सर, फिर उसके और बाद ये में लोग आते हैं गांव से, ये लोग गांव के लोग हैं, राइट? ओरिजिनली ये लोग गांव के, कोई शहर के लड़की भी नहीं है, ये गांव की लड़की है, राइट? गांव से है सर, गांव से है, तो गांव की लड़की इतनी शातिर बनी है, ओके। जी सर, क्योंकि ये 2015 से यहाँ पे दिल्ली में ही रह रही फिर क्या है। हुआ? उसके बाद इन्होंने 11 लाख रुपए में डन किया। आईओ ने एक पेपर पे लिखवाया, मतलब जो इसके साथ के जो वो थे ना बीच में राजीनामा करने आए थे, उन लोगों ने पैसे लिए और बोले कि चलो हम अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। आईओ को उस चीज का पता नहीं था, पुलिस वालों को, कि इन्होंने पैसे पैसे लिए या दिए जो भी है, लेकिन उनको उनको इतना पता था कि बिना पैसों के नहीं हुआ ये सॉर्ट आउट, क्योंकि आईओ के सामने वो बोल के आई थी कि आप मुझे 15 लाख रुपए दिला दीजिए ताकि मैं केस वापस कर लूंगी अपना। फिर उसके बाद उसने एक पेपर पे लिखवाया मेरे से भी उससे भी कि आज के बाद हमारा इसका कोई कोई संबंध नहीं रहेगा, हम दोनों आप अपनी मर्जी से साथ रहते और अलग रह रहे हैं अब आज के बाद। हम मैं ना ये मुझे परेशान करेगा ना मैं इसके खिलाफ कोई राइट कार्रवाई करूँ। उसके बाद सर करीब 2 महीने बाद ही बाद क्या होता है, 27 आपने आपने कितना पैसा दिया इसको उस टाइम पे? 11 लाख रुपए दिए सर। आप 11 लाख कहाँ से लेके आके दिए? सर मैं मेरे मामा जी का वर्कशॉप है, उनसे मैंने पैसे लिए थे और कुछ मेरे क्रेडिट कार्ड से लिए थे। कुछ हमने 2-2.5 लाख की सरसों बेची थी गांव में, ये सब तो कलेक्ट करके क्रेडिट मैंने। कार्ड से लिए होंगे तो उसका भी तो एविडेंस होगा। हाँ हाँ सर सारा स्टेटमेंट है, लेकिन वो जो हमारा मैटर था वो मतलब करीब 15 दिन आईओ के पास रहा था, तो हमने इधर उधर से कलेक्ट किए, कुछ मामा से लिए, कुछ तो हमारे क्रेडिट क्रेडिट कार्ड कार्ड से। से जो पैसा लिए हैं वो तो रहेगा ना रिकॉर्ड में? बैंक वाले उस बीच में जो जितने भी स्टेटमेंट है सारे हैं हमारे पास। ओके ठीक है। फिर हाँ अकरम वो पेमेंट जो गई थी, सॉरी सर जी इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो अक्रम वो पेमेंट किसके अकाउंट में गई है? लड़की के अकाउंट में गई है वो? नहीं, सर यही यही वो दिक्कत होगी, उन्होंने अकाउंट में लिया नहीं है वो, उन्होंने क्रेडिट पैसा। कार्ड से लोग आपने कैश कैश ले थोड़ी लेते हैं निकाला होगा? सर, हमने अपने अकाउंट्स से कलेक्ट किए हैं वो कैश निकाल के, उनको कैश लिया उन लोगों ने। हम बोल रहे थे कि आप इन लड़की का अकाउंट नंबर बता दीजिए हम उसमें डाल देंगे, इन्होंने साफ मना कर दिया, बोले हम कैश लेंगे, कैश कैश चाहिए हमको। फिर क्या हुआ? मतलब जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आपने अपने अकाउंट में डाले उसका भी कोई आपका प्रूफ नहीं है ना कि लड़की के अकाउंट में गए हैं किसी के अकाउंट में गए हैं? नहीं सर वो निकाले हैं उसका प्रूफ मेरे पास, बाकी उसको हमने उसने कैश लिया तो है हमसे। आपने अपने अकाउंट में डाले हैं लेकिन किसको दिए वो थोड़ी है हमारे पास। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। फिर हाँ क्या सर, हुआ? फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद सर 27 अक्टूबर 2019 को दीपावली के दिन मेरी ड्यूटी थी ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन पे। ये बंदी ओके वहां आके मेरे पास और रोती है, बोले मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दे और मेरे से बात कर ली अगर ये वो, मतलब पूरा इमोशनल हो रही है वहां पे आके। मैंने इसको साफ बोला मैं कि तेरे घर वालों ने पैसे लिए हैं, तुम अब मुझे क्यों परेशान कर रही है। बोले कोई कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन बाद दिल्ली छोड़ के चली जाऊंगी, मेरे से बात कर लिया कर, ये कर लिया कर। मैंने तब भी इसको मना कर दिया है। उसके बाद फिर इसने 1 फरवरी 2019 को ये गई है सकरपुर है यहाँ पे लक्ष्मी नगर के पास थाने में, वहां जा करके फिर से इसने वही फोटो सारी चीजें वो सब चीजें दिखाई है। इसने जब उस टाइम जब हमारा केस हुआ था तो मेडिकल वगैरह कुछ बनवाया था उसके प्रूफ दिखाए हैं इसने मैडम को, और बोले ये लड़का इसने मेरा रेप किया है, और ये कहती है कि मुझे यहाँ लक्ष्मी नगर लेके आया। लक्ष्मी नगर हम एक बार घूमने गए थे साथ में,
वो इसने जब 376 का मुकदमा किया था उससे पहले की बात है, जबकि ये वो उनको बताती है कि अभी पिछले 15 दिन के अंदर बताती है, मतलब एक एक फरवरी से पहले पिछले 15 दिन के अंदर बताती है, ये मुझे यहाँ लेके आया और मेरे साथ रेप किया। उनका फिर मेरे पास कॉल आता है, मैं एग्जाम देकर निकला, मेरे पास कॉल आता है पुलिस वालों का कि भाई आप कहाँ पे हो। मैं बोला सर गुड़गांव में हूँ। बोले आप जल्द 1 घंटे के अंदर यहाँ आ जाइए। पुलिस वाला भी मेरे से ऐसे ऐसे गुस्से में बात कर रहा है, बोले अगर तू नहीं आया तो हम तुझे वहां से उठा के ले आएंगे। मैं बोला सर तो क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर से फॉल्स रेप में डालने का पूरा नाटक फिर से शुरू हो गया। पैसा हाँ जी लेके, ये लेके, वो हाँ लेके, जी, फिर से। तो मैंने मैंने फिर उनको बोला पुलिस वालों को कि सर ठीक है मैं आ जाता हूँ, बात करता हूँ वहां पे आके। बोले ठीक है आप आ जाओ। फिर से इसने एक कंप्लेंट दे रखी, वहां मैडम ने बताया कि भाई आपके अगेंस्ट में इसने 376 का कंप्लेंट दे रखी है। मैंने मैंने उनको बताया कि मैडम इसने मेरे साथ हेलो, मेरे से पैसे मैं लिए हैं। हेलो, है, लास्ट 2 सेंटेंस फिर से बोलो। मैंने मैडम को बताया कि मैडम इसने हमारा 8 सितंबर 2019 को राजीनामा हुआ है, वहाँ पैसे लेके सब कुछ हुआ है, उसके बाद मेरा इसका कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर ये मुझे क्यों परेशान कर रही है। तो तो फिर मैडम को, मैडम से मिलीभगत करके, मैडम और उनसे मिल के नहीं इसने ये सब कंप्लेंट दी है। मैडम बोली कि वो राजीनामा जो भी हुआ कुछ नहीं है, पेपर में वो मैं फाड़ के फेंक दूंगी। तो तू इसे शादी कर रहा है तो वो बता दे, नहीं तो हम तुझे सुबह जेल भेज देते हैं। मैंने उनको बोला मैडम आप मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, मैं सारे प्रूफ ला के दे दूंगा आपको। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अगले दिन उन्होंने सिर्फ ये बोला कि सुबह तुझे 9 बजे यहाँ आना है, अभी हम तुझे छोड़ रहे हैं। वहाँ वहाँ जाने के, जब मैं वहाँ पहुंचा था, जाते ही मुझे एक नवीन डागर नाम का पुलिस वाला था, उसने मुझे पहले तो मारना स्टार्ट किया। बोले इसके साथ ऐसा किया, पहले तो ये किया वो किया। मैं सर मैंने कुछ वो नहीं पुलिस किया है। स्टेशन में, लक्ष्मी नगर हाँ पुलिस जी स्टेशन में ही मारना शुरू कर दिया। हाँ, शकोरपुर पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले ने मुझे मारा है। और ये बंदी वहीं पे थी, और मैडम के सामने इसने भी मुझे मेरे ऊपर हाथ उठाया था। मैं तब भी कुछ नहीं बोला, मैडम को बोला मैडम इसको समझा लीजिए प्लीज। फिर उसके बाद उन्होंने बोला सुबह 9 बजे यहाँ आ जाना। मैंने बोला कि मैडम मेरी कल ड्यूटी है तो मैं सुबह नहीं आ पाऊंगा, प्लीज मैं शाम को आ पाऊंगा। बोले नहीं हमें 9 बजे चाहिए तो यहाँ पे, और नहीं तो हम तुझे वहीं से उठा लाएंगे। बड़ी बहुत रिक्वेस्ट की तो इन्होंने बोला कि ठीक है तू शाम को 4 बजे आ जाना। शाम को 4 बजे मैं ड्यूटी खत्म हुई तो होती है मेरी, मैं शाम को 4 बजे वहां पहुंच जाता हूँ। वहां से ये बंदे, ये लड़की है, उसका भाई है, एक उसका जीजा है और 2 लोग और हैं, और एक इसका लॉयर था। ये लोग मुझे वहां से बैठा करके गाड़ी में सीमापुरी में कहीं पता नहीं मुझे किसके मकान में लेके गए, वहां ले जाके बैठा दिया और बोले कि ये से कुछ पेपर थे इन पे साइन कर। मैं बोला ये क्या है। बोले शादी के पेपर हैं इन पे साइन कर। मैंने मना किया तो फिर से इन लोगों ने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। बोले आज अगर तू शादी से ये साइन नहीं करेगा तो आज तुझे हम यहाँ मार के ही छोड़ेंगे। तो सर अब ये बताइए आप 4-5 बंदों के सामने मैं अकेला बंदा क्या करता। ये तो कब की मैंने, बात है? तो ये सर 2 फरवरी की बात है, 2 फरवरी को दिवाली, रात, ये जो पुलिस स्टेशन आपको लेके गए थे, ये लेके गए थे दिवाली के टाइम पे? नहीं सर दिवाली को तो ये मेरे स्टेशन पे आई थी, 1 फरवरी को पुलिस वालों ने बुलाया, मैं ओके ओके, 1 फरवरी ये को जो गया। पुलिस स्टेशन में जो ले साकरपुर और वो जो पुलिस स्टेशन है, हाँ जो भी पुलिस स्टेशन, क्या पुलिस स्टेशन का नाम बताया आप? शकुरपुर, शकुरपुर शकुरपुर जो पुलिस स्टेशन है, वो सब जो हुआ हाँ, वो सब 1 फरवरी से हुआ, एक से स्टार्ट हुआ और दो को 1 से इन्होंने, स्टार्ट हुआ। हाँ हाँ, जी 1 फरवरी ऑनवर्ड्स उसी हफ्ते में स्टार्ट हुआ। हाँ ओके, जी उसके बाद ये शाम को इन्होंने मुझे बहुत मारा और बोले कि इन पेपरों पे साइन कर। मैंने तो मना किया जबरदस्ती नहीं। आपको पेपर में साइन करवा के हाँ क्या मुस्लिम निकाह करवाया? तो हाँ जी, बोले अगर तू साइन नहीं करेगा तो आज तुझे हम यहीं पे मार देंगे, चक्कू चक्कू वहां दिखा पे कोई देंगे। काजी फाजी नहीं था? काजी थे इन लोगों ने बुलाए, 2 काजी थे, पता नहीं कौन थे मुझे तो पता नहीं, उनकी उनकी फोटो है मेरे पास जब उस टाइम जो थे। तो ये फिर घर में वो, आपका शादी करवाया, हाँ किसी के घर में रूम बंद करके मेरे से शादी करवा ली इन्होंने। ये पूरा अभी जबरदस्ती शादी करवाया। मैं सर ऑफिस से निकला हूँ। मैं अकरम जी जी, सर, वो वीडियो में तो ये बोल रही है कि आपके ब्रदर भी गए नहीं हैं नहीं शादी वीडियो में। में मत जाओ। नहीं, मनीष मनीष उस मनीष 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 झूठ बोलती है मनीष वहां कोई मनीष बंदा, मनीष मनीष, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, वीडियो के टॉपिक में मत जाओ अभी। ओके, ओके ये हम उससे क्लीन रखते हैं।
उस टाइम जब मेरी शादी हुई, मेरी फैमिली का कोई मेंबर नहीं है, सारे लोग इनके हैं। वो उन्होंने मुझे मारा, साइन करा लिए मेरे से, तो बोला साइन कि करवा के काजी बुला के कौन से तारीख ये किया ये सब, मतलब कौन से एक दो तारीख को कर... ये 2 फरवरी को रात के 9:30 बजे, 9-10 बजे के समथिंग का टाइम था। उस टाइम इन्होंने मेरे साथ ये सब किया। तो उसके बाद, जबरदस्ती आपको शादी करवाया, हाँ जी, उसके बाद ये लोग मुझे अपने पास ले आए रूम पे। ये कितने आदमी थे वहां पे, इनके गुंडे कितने थे, मतलब इसके भाई भाई ये सब भी थे। इसका भाई था, एक इसका जीजा था, और दो बंदे और थे, उनको मैं जानता नहीं नाम से, वो मैंने ओके पहली फिर बार देखे थे। उसके बाद इन्होंने मुझे 2 दिन अपने रूम पे ही रखा है, मेरे घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। उसके बाद जब मैं निकला वहां से, मैं बोला मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, तो मैंने निकल के अपने घर वालों को बताया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। घर वाले मेरे परेशान हो रहे, कहाँ गया बंदा। उसके बाद फिर मैं इनके पास 2 दिन वहां पे रुका, उसके बाद मैं इनके पास से आ गया हूँ। एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये सब जब हो रहा था 1 साल तक, 1-1.5 साल तक जो हो रहा था, ये सब कोई दोस्त को बोले थे, घर वाले को बता रहे थे कंटिन्यूअसली, या किसी को आपने नहीं बताया? सर, बदरपुर में जब कंप्लेंट हुई थी, तब घर वालों को मैंने बताया था। उन्होंने मेरा राजीनामा करवा दिया। घर वालों ने सोचा कि अब ठीक है, हो हाँ गया तब सारा कर, कोई सबूत। दोस्त को भी बताए थे? दोस्त को तो नहीं बताया था, मोस्टली तो एक दो वैसे पता था कि भाई ऐसा ऐसा कुछ है इसका। मेरे साथ में जो लड़के काम करते, क्योंकि ये मेरे ऑफिस में फोन कर करके नहीं बोलती कि उसकी ड्यूटी कहाँ पे है। कोई भी फोन उठाता, बोले मेरी बात कराओ उससे, उसकी ड्यूटी कहाँ तो पे है फिर क्या हुआ, ऐसा। कितना दिन शादी में रही, मतलब शादी तो उसके करवा बाद, दिया 2 या 3 तारीख को, फरवरी हाँ, 2020 में, फिर उसके बाद सर 12 फरवरी को मैंने NHRC पे, मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया था, मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा था। फिर मेरे सर ने, एक ने समझाया कि भाई ऐसा ये सब चीजें करने से कुछ नहीं होगा, अपने लिए, अपने हक के लिए फाइट करना पड़ेगा, तो कंप्लेंट कर कहीं भी और कुछ कर। मैंने सोचा सर, जब पुलिस वाला ने मुझे मार करके मेरे से ये फोर्स किया है, तो मेरा कसाद कौन देगा। घर वालों को भी वो नहीं था। उसके बाद जब वहां से निकलने के बाद मैंने 12 फरवरी को NHRC पे कंप्लेंट डाली है ऑनलाइन, तो ओके उनका, हाँ, उसके बाद फिर इसने, ये बंदी 18 फरवरी को मेरे ऑफिस में आ जाती है। ऑफिस में आने के बाद वहां पे हमारे सर थे, उन्होंने बोला भाई आप कौन हो, मेरे ऑफिस में मेरे पास आके खड़ी हो जाती है, मैं अपना काम कर रहा था। उन्होंने पूछा आप कौन, बोले इसकी वाइफ हूँ, और डॉक्यूमेंट दिखाने लगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये हूँ, ये सब नाटक करने लगी। और वहाँ वहाँ मैंने बोला कि मेरा मुझे डिस्टर्ब मत करो, आप यहाँ से चले जाओ, ये तो ये गाली वाली देने लगी। और मेरे इसने फोन फेंक के मारा, उसमें मेरा सिस्टम में फोन फेंक के मारा फोन। उसके बाद हमारी हाथापाई हो गई वहाँ पे। उसके बाद मैंने सौ नंबर पे कॉल किया। 100 नंबर पे जैसे मैंने कॉल किया, तो ये बंदी वहां से उठ के और नीचे आ गई, मतलब वहां से बाहर आ गई ऑफिस से। मैंने फिर, पुलिस वाले आए, वो मुझे अपने साथ लेके चले गए। इसको कॉल किया कि आप कहाँ पे हो, यहाँ आ जाओ। बोले मैं तो हॉस्पिटल जा रही हूँ, इसने मुझे मारा है और मैं नहीं आ सकती, ये एम्स में जाके एक मिनट एडमिट ना, हो चुकी। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, एक मिनट, मैं अभी रुक रहा हूं, मैं आऊंगा, एक मिनट रुकिए, ओके। मैं थोड़ा एंड करके फिर से आ रहा हूं। जी सर, नो प्रॉब्लम सर, यार 497 अकरम, जी हाँ बोलते रहो, कोई बात नहीं, अनिल जी आ रहे हैं, वो कॉल ड्रॉप हो गया। अच्छा, तो अच्छा सर ये बताओ, इसमें, मुझे ये बताओ, आपके पास कोई भी पेमेंट का लीगल एडवाइस, मतलब एविडेंस है? सर मेरे पास पेमेंट का ना, मतलब जो हमने कलेक्ट किए हैं हमारे अकाउंटों से, उनका उनका सारे सोर्स है। लेकिन एक्चुअली उसने आपने उसके भाई हमने के अकाउंट में पूरा, रिचार्ज कराए हैं हाँ, फोन रिचार्ज की कराए मैंने उनके, वो सारी चीजें हैं मेरे दो पास। सौ 500 रुपए का, हाँ, लड़की का भी कभी कराया? लड़की का सर हमेशा मैं ही कराता था, वो जब भी उसका रिचार्ज खत्म होता मैं ही कराता था उसका रिचार्ज। तो आपके उसके एविडेंस हैं, पेटीएम से इनफैक्ट कराए होंगे, कार्ड से कराए होंगे, पेटीएम से मैं करता था। इनफैक्ट जब वो गांव गई कई बार, उसके सारे रिकॉर्ड निकालिए, प्रिंट आउट निकाल के रखिए, ठीक हाँ, वो सर मेरे पास हैं सारे। जब वो गांव गई है? है ना, उसके उसके बाद उसके ऑनलाइन टिकट भी मैंने बुक कराए हैं सर। ऑनलाइन टिकट भी बुक कराया आपने? हाँ हाँ, हाँ सुनिए, हाँ फिर मैं आ गया वापस, बस तो फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद सर मैंने कॉल कर दिया पुलिस को, पुलिस आई मुझे लेके चली गई। इसको कॉल किया, ये बोली कि मैं मुझे इसने मारा है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। बोला आप कौन से हॉस्पिटल में हो? क्या बोले एम्स में एडमिट हूँ। तो वो लोग मुझे साथ में लेके चले गए वहाँ पे, वहीं पे उनका स्टेटमेंट लेते हैं, आप भी चल दो। तो हमारा दोनों का MLC हुआ है वहाँ पे, उसमें कुछ नहीं, माइनर सी खरोंच थी उसको भी और मुझे भी, क्योंकि मारापीटी हुई थी थोड़ी सी हमारी ऑफिस में। उसके बाद तो उसका स्टेटमेंट लिया, मेरा भी स्टेटमेंट लिया कि आज क्या क्या हुआ, वो सब चीजें हमने दे दी वहाँ पे। ठीक उसके है अगले दिन उन्होंने बोला कि आप कल आ जाना, कल हम इसको भी बुला लेंगे, आप भी आ जाना। मैं अगले दिन चला गया हूँ, ये बंदी नहीं आती वहाँ पे। इसने अगले दिन 19 फरवरी को जा करके कहीं से फर्जी मेडिकल बनवाया और CAW सेल में कंप्लेंट डाल दी, महिला आयोग में, और पता नहीं कहाँ कहाँ पे अपने वकील के थ्रू वहाँ कंप्लेंट डाल दी इसने। उसके बाद मेरे पास फिर इसने फरवरी में डाली, उसने मुझे लेटर वेटर भेजा था सर, वो मेरे पास पहुंचा नहीं, मेरे पास फिर धीरे लेटर धीरे पहुंचा बोलो। था। तो उसके बाद सर वो हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो मेरे पास CAW सेल का लेटर पहुंचा एक फिर जुलाई मार्च को। महीना अप्रैल में क्या हुआ? मार्च और अप्रैल मतलब उस टाइम पे क्या हुआ, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे बोलो। उसके बाद हाँ, हमारी कंप्लेंट, वो अपने वहां पे रही, मैं अपने घर पे था, वो अपने वहां पे CAW रही। से फिर आपको आपको लेटर आया या NCW से, हाँ कहाँ से लेटर हाँ आया? CAW सेल से लेटर आया मेरे पास 1 जुलाई को। तो ओके बीच में वो चल गया था, लॉकडाउन हो गया था सर। तो जैसे मेरे पास लेटर आया, मैं 4 जुलाई को वहां पे चला गया CAW सेल में अपना अपना। उन्होंने बोला कि आप अपना वो दे दो, रिप्लाई बना के दे दीजिए। मैंने वो सब चीजें दे दी उनको उनको तो। एक मिनट, आप बहुत जोर से जल्दी जल्दी बोल रहे हो, रुको, आप टेंशन में हो, मुझे पता है। एक एक बात बताओ, ये औरत क्या पढ़ी लिखी है? ट्वेल्थ पास है, इसने फर्स्ट ईयर की थी, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। और इसकी कोई ईमेल आईडी फाइडी है? नहीं, ईमेल आईडी सर ये चेंज करती रहती है, पहली ईमेल आईडी तो मुझे याद है। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन कोई ना कोई ईमेल आईडी तो है। हाँ सर है। इसकी कोई मतलब इसकी कोई घर का पता है? हाँ सर, गांव, इसके गांव का एड्रेस है मेरे पास, इसके ठीक डॉक्यूमेंट्स है ठीक है हैं, ठीक है ठीक है। पापा कहाँ इसके रहते माँ हैं। बाप करते क्या है? इसके मम्मी पापा किसान हैं सर। किसान है, किसान की हाँ बेटी ये सब कर रही है, ठीक है। तो जी एक सर। बात बताओ, फिर ये CAW सेल से आपको जो लेटर आया, तो फिर आप CAW सेल से कोऑपरेट करने लगे, हाँ जी, ठीक हम है। कोऑपरेट करने फिर लगे। कितना सेशन CAW सेल में हुआ? हमारा एक सेशन हुआ था, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप 20 तारीख को, मैं बुलाऊंगा आपको, 20 तारीख को आ जाना है। तो ठीक बीस है तारीख को उस जो आईओ थे, उन्होंने बोला कि मैं उसको भी बुलाऊंगा और आपको भी बुलाऊंगा। इन्होंने उसको कॉल किया, लेटर भी भेजा, ये नहीं आई है बंदी। फिर उन्होंने 30 तारीख, 30 जुलाई के लिए बोला कि 30 तारीख को फिर से मैं लेटर भेज रहा हूँ, 30 जुलाई को उसको बुलाते हैं, अगर वो आ जाएगी तो मैं आपको कॉल कर दूंगा, आप भी आ जाना। फिर 30 जुलाई को ये नहीं आती है। 30 जुलाई को सर क्या था कि हम जा रहे थे गांव में ईद पे, तो ये 30 जुलाई को हमारे गांव पहुंच गई। यहाँ CAW सेल में तो नहीं आई, गांव पहुंच आपके गई। गांव पहुंच गए? कौन से इलाके, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपके गांव है? हाँ, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है, उड़की मोहम्मदा करके। तो वहां पे पहुंच गई, आपके घर में पहुंच गई। वहाँ सर मैं और मेरे भाई जा रहा था, तो हमारे गांव से पहले एक मार्केट पड़ता है, वहाँ पे किसी बंदे ने मेरी गाड़ी रुकवाई है, मैं उसको जानता नहीं था, ये उसी के साथ थे, ये अंदर बैठी थी जूस की दुकान में, उस बंदे ने मेरी गाड़ी रुकवाई है। मैं बोला भाई कौन हो आप? बोले कि मैं जानता हूँ, तूने नहीं पहचाना आप मुझे? बोले भाई मैं तो नहीं जानता आपको, मैं अपने भाई से पूछ रहा हूँ, भाई आप जानते हो इसको? बोले नहीं मैं तो नहीं जानता। बोले आप आ जाओ एक बार, बाहर आ जाओ, फिर आपको सब पता चल जाएगा। मैं गाड़ी साइड में लगा के उसके साथ चला जाता हूँ। बोले मैंने सोचा कोई फ्रेंड होगा शायद पुराना, तो मैं उसके साथ जैसे जाता हूँ, ये बंदी वहाँ जूस की दुकान में अंदर बैठी हुई है। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं एक बार तो फिर मैं वहाँ से वापस से आ गया, वो कह रहा जूस पी ले। बोले मैं नहीं पी रहा, मैं वहाँ से अपने घर गया हूँ। घर जाने के बाद फिर मैं कुछ काम से, मेरे मम्मी पापा ने कुछ काम से भेज दिया था कहीं पे मार्केट, तो उसके आधे घंटे बाद ये बंदी मेरे घर पहुंच जाती है, शाम को 8 बजे के समथिंग। वहां जाके इसने नाटक किए हैं, बोले मेरे से शादी की है इसने और मुझे रहना है यहाँ पे, ये वो है। तो वहाँ मम्मी पापा ने इनको बताया थोड़ा कि थोड़ा हम आवाज आवाज से बोलो। हाँ, फिर हमें तो नहीं पता कब आपने शादी की, कब ये किया।
तो वहां जाके ये लोग, इसका भाई भी, वो भी, घर पे कोई नहीं था, मम्मी थी और हमारी सिस्टर थी, उनसे बहस करने लगे। तो हमें हमें जब घर से कॉल आया तो हमने फिर 100 नंबर पे कॉल किया, मैंने मनीष सर से बात की थी, 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस गई है, पुलिस इनको लेके आ गई है अपने साथ। थोड़ा जोर से तो बोलो, थोड़ा आवाज से हाँ बोलो। सर, हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ? पुलिस आ गई। पुलिस इसको अपने साथ में लेकर आ गई, उसका भाई है और वो दोनों बंदे हैं। उसके बाद पुलिस ने हमें सुबह बुलाया, सुबह हम गए, हमने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे सीन, ये हमारे साथ ये सीन हुआ है और हमारी कंप्लेंट सीडब्ल्यू सेल में पेंडिंग चल रही है, आप वहाँ पे बात कर लीजिए। उन्होंने आईओ से बात की, उन्होंने बताया कि आज तो इसको मैंने यहाँ पे बुलाया था, ये वहाँ क्यों पहुंच गई। आईओ ने उसको सारी चीजें बताई। तो फिर ये बंदी वहाँ, उन्होंने इसकी कंप्लेंट नहीं ली। हम उसके बाद अगले 4 तारीख को, 4 अगस्त को ये सरपंच से मिलके, वहाँ पे हमारे गांव का जो सरपंच है उसके पास गई है, उससे मिल करके और मेरे भाइयों के अगेंस्ट में 376 का झूठा मुकदमा कर दिया इसने। वो सरपंच से मिलकर का, और सरपंच भी देखिए, ये सब सिया है, सुन्नी है, आपको किस तरीके का मुसलमान हो, सुननी है सर। वो भी सुन्नी है, हाँ जी, और वो सरपंच आपकी बात को सुना नहीं। वो सरपंच ये कह रहा है कि पंचायत कर लो, तो क्या आप मैटर है? हमने उनको बताया कि हमारा मैटर सीएडब्ल्यू सेल में चल रहा है, वहाँ पे ये जा नहीं रही है, तो इसको वहाँ भेजिए आप। तो बोले कि नहीं, वो अपने ईगो पे ले जाए लेकर के, और इसको लेके चला गया और झूठी 376 की कंप्लेंट मेरे भाइयों के अगेंस्ट में दे दिए। आपके एक दो भाई के अगेंस्ट में कर दिया, 4 भाई थे सर मेरे, मतलब एक मेरे ताऊजी चारों का के लड़का, अगेंस्ट में कर दिया। हाँ 3 मेरे भाई है, एक मेरे ताऊजी का लड़का, उस उन चारों के अगेंस्ट में इसने 376 की मुकदमा और दर्ज कहीं किया। से छोटा मोटा चैनल को बुला के वीडियो भी बनवाया। उसके बाद ये वीडियो तो सर 28 तारीख को बनवाया। ये 28 अगस्त को बनाया कि हाँ जी, 28 अगस्त को किसी को बुलाया और वहां पे उसको सारी उसको चीज। घर से फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर हाँ दिया, करके सब ड्रामा करके वो हाँ वीडियो बना के रोना धोना वहीं पे शुरू कर दिया। हाँ फिर हमने उस बंदे से बात की, भाई आपने बिना सच्चाई जाने कैसे वीडियो बनाया, क्यों आप ये कर रहे हो? फिर उसको हमने सारे प्रूफ दिखाए हैं, सारी चीजें एविडेंस फिर दिखाए, वो ये बंदा, वो चीज। वीडियो बनाने वाला जो टीवी चैनल था या यूट्यूब चैनल था या जो भी था, वो मीडिया, वो बंदा जी क्या सर, बोला? तो उसने फिर वो वीडियो वहां से तो अपने उस चैनल से डिलीट कर दिया, लेकिन वो तो सोशल मीडिया पे वायरल तो हो ही गया। वो बंदा ने डिलीट कर दिया चैनल से, आपको चैनल याद है? हाँ सर याद है। फिर उस बंदे ने हमारा हमारा इंटरव्यू लिया, हमने उसको सारी चीजें बताई हैं, ये सब चीजें फिर उसने वो अपलोड की है उस पे। उसने अपलोड किया, वो ये लिंक आप मुझे भेजिएगा। आज ही किया है, मैंने मनीष सर को भेज दिया है, आप देख बहुत लीजिए बढ़िया, जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, ये जो चल रहा है ना, ये जो देश में चल रहा है ना, ये जो पॉलिटिशियन, ये जो गंदे लोग जितने भी नौटंकी कर रहे हैं ना, औरतों, मेरी माँ, मेरी बहन करके, जी ये गांव गांव की, ये जो बोलते हैं ना बड़ी शहर में ही दुरुपयोग हो रहा है, तो ये तो गांव की लड़की है। सर, सरपंच ने क्या बोला है कि आप वो पंचायत करो, पंचायत में के लिए हमने मना कर दिया कि सर हमारा केस वहां पे चल रहा है, क्या लेकिन पंचायत, आपने कितनी बार पंचायत होगा, एक बार पैसा लेके गई, एक बार झूठा ये किया, किसके साथ, चोर चक्कों के साथ पंचायत करोगे? ये फिर ये बोल रहे हैं कि आप इसको 5 लाख रुपए और बूढ़ा बेटी आदमी, का नहीं, ये बूढ़ा आदमी कितना कितना एज का है, वो सरपंच जो है कितना साल का एज उम्र का आदमी करीब रहेगा वो? 50-52 के समथिंग होगी। ये बोल रहे हैं कि आप 5 लाख रुपए दे दो और 2 बीघा खेत दे दो, हम इसको भेज देंगे। हमने साफ मना कर दिया, हम 1 रुपया नहीं देने वाले तो इनको। वो लोग भी ब्लैकमेल पे उतर आए, हाँ, वो भी यही यही सोच रहे कि इनसे पैसे खा मतलब ये लेंगे। हर एक जगह पे ब्लैकमेलर बैठे हुए हैं जी सर, ना, हर एक उसके जगह बाद पे ब्लैकमेलर और धमकी देने वाले हर एक स्टेप में है, पुलिस स्टेशन में भी है, इधर भी है, उधर भी है, पंचायत यस सर, की लेवल पे है, गांव गांव पे ये फैल गया है, सर राइट? किस किस को हम कहाँ तक के पैसे दें, के क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। इतना मन करता है कभी कभी तो सुसाइड करने का, पर फिर सोचते हैं कि यार क्या अपने फाइट करेंगे और क्या। ये सब तो आपके भाई लोगों के अगेंस्ट में ये जो 376 कब कब FIR हुआ? ये सर 4 तारीख को उसने कराया है, आपके तो पास वो चार FIR की हाँ कॉपी है सर कॉपी है, मैंने मनीष सर को भेज रखी है। और और फिर आपने हमने एंटीसिपेटरी पे या किसी के लिए अप्लाई करवाया? सर, मम्मी की 156-3 में है वो। ओके, प्राइवेट कंप्लेंट है वो, प्राइवेट कंप्लेंट है, पुलिस वालों ने मना कर दिया है कंप्लेंट करने के लिए, 156-3 में गई है वो। हाँ सर, फिर हमने मम्मी की पुलिस वालों ने ये सब कंप्लेंट स्टोरी सुना होगा, तो इसलिए 156-3 प्राइवेट कंप्लेंट करके उस स्टेज में है वो।
क्योंकि दो नंबर पे कॉल थी जब इसके घर पे वो घुसी थी ना, तो उसके बाद पुलिस वालों ने सारा मैटर सुना होगा और उन्होंने मना कर दिया होगा, इसीलिए सरपंच जो है उसे 156 दिन में लेकर गया। जी सर, फिर हमने भी उससे अगले दिन मम्मी के नाम से कंप्लेंट दी थी, क्योंकि इसने वहां जाके नहीं झगड़ा किया था मम्मी से, वो सब चीजें कंप्लेंट दी हमने अभी, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। नहीं ठीक है अकरम, ये इंटरव्यू करने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपका बात सुना था, लेकिन इतना तक हुआ है ये मुझे समझ में नहीं आया था। मतलब मैं सोचा नहीं था कि इतना डीप में, मतलब डे वन से वो आपको ब्लैकमेल, थ्रेट, फोर्सिबली क्या, मेरे नॉलेज में नहीं था 11 लाख रुपए और घर में बिठा के, मतलब इतना इतना ज्यादती जो किए हैं। हाँ ये हम नहीं सोचे थे। ये शादी वाला सीन सबसे लास्ट में उन्होंने किया कि अब इसे इसको शादी के लिए फंसाते हैं, तो उससे पहले नहीं, ही ये फोर्सिबल नहीं। देखिए फोर्सिबल शादी जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है, वो नल एंड वॉइड हो जाता है। जी सर, कानूनी हिसाब से कोई भी जबरदस्ती वाला शादी शादी नहीं होता है। अब इंडियन कोर्ट में जज लोगों की बुद्धि है या नहीं है वो अलग बात है। आप कॉमन सेंस बंदा ये सोच सकता है कि अगर कोई बंदा अपनी राजे से शादी करेगा, क्या वो कपड़े भी सही ढंग से नहीं पहनेगा? मेरी ऑफिस की यूनिफॉर्म में मुझे उठा कर के इन्होंने जबरदस्ती बुलाया ऑफिस की यूनिफॉर्म में, मेरा निकाह वगैरह शो कराना था, सब चीजें कराई है इन्होंने। ओके नहीं ठीक है, अभी देखेंगे ऐसे सिचुएशन, क्योंकि ये जो आपको रियली हम अप्रिशिएट करते हैं कि हम आपने ये इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये चीज को ओपन में लाना बहुत जरूरी है। ओके, बहुत सारे लोग आपके परिस्थिति में सुसाइड कर लेते हैं। ओके, और ये देश में मर्दों के लिए कुछ है नहीं। ओके, मर्द की कोई भी प्रॉब्लम है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब पूरा गवर्नमेंट लेवल से, मिनिस्टर लेवल से, कोर्ट से, कचहरी से, मतलब किसी की शर्म भी नहीं है कि एक कंट्री में कोई कॉन्स्टिट्यूशन है या कोई गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है। ये सबकी धज्जियां उड़ा के बैठे हुए हैं, इनकी शर्म नहीं आती है। बड़े बड़े बातें करते रहते हैं मीडिया में जुडिशरी के ग्रेटनेस के बारे में, कितना कितना हमारा जुडिशरी ग्रेट है। शर्म आनी चाहिए लोगों की। ये इतने बड़े बड़े वकील घूमते रहते हैं, कोई इसके सबके लिए न्याय के लिए या PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कुछ नहीं करता है, तो आदमी को मतलब ये क्या बना के रखा है। लास्ट में वो सुसाइड ही करता है और क्या करता है बंदा। ठीक है अक्रम, आप हमारे साथ हो तो रहो एंड हम लोग आपको सपोर्ट दे रहे हैं। अक्रम okay, आप दिल्ली तो में हो अभी? जी सर। आप दिल्ली में हो अभी? हाँ सर, मैं दिल्ली नहीं, गुड़गांव में ड्यूटी होती है मेरी, अभी गुड़गांव में मैं। नहीं देखिए, आपकी ड्यूटी जहाँ पे भी हो, आपकी एड्रेस किसी को पता ना चले आप कहाँ पे रहते हो, ठीक है? Exactly. आपके और आपके भाई लोगों की एड्रेस पता ना चले, और इसको धीरे धीरे हम सॉर्ट आउट करेंगे। अलग लेवल में इसको डील करना पड़ेगा। ये CAW वाली मामला नहीं है, ये काफी बड़ा मामला, क्योंकि आपके ऊपर में जो 156/3 रेप का 376 जो लगाने की कोशिश कर, CAW तो नॉर्मल होता है यार, हर एक का केस CAW जाता है, लेकिन आप लोगों की भाई के ऊपर में जो अभी फिर से झूठा इल्जाम लगवाया, ऐसे लोगों को मतलब ये देश में कैसे छोड़ा जाता है मुझे समझ नहीं आता। इसी बार 376 की झूठी कंप्लेंट दी है सर। ठीक है अकरम, अभी बंद करते हैं, अपना खत्म करते हैं, ऑफलाइन में तो बात होगी। ठीक है अकरम, थैंक यू, थैंक्स। तो हम लोग क्लोज करते हैं। मनीष, हम अभी कॉल क्लोज करेंगे, ऑफलाइन में बातें करेंगे। राइट। ओके, थैंक यू अकरम, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, थैंक्स फॉर योर करेज। ठीक है, हम लोग इसको डील करते हैं। ओके, इसको हम लोग सीधा करते हैं, पूरा मामला सीधा करेंगे उसको। राइट, ओके, थैंक्स, टेक केयर। हम लोग बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ओके बाय। ओके बाय।